राजीव गांधी जिनको भारत रत्न का अवार्ड देकर नवाजा गया, केंद्र सरकार को वो अवार्ड वापस देना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के भारत रत्न वापसी वाले प्रस्ताव पर हुए विवाद के बाद दिल्ली में सियासत तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ किया है कि जो प्रस्ताव सदन में पेश किया गया था उसमें राजीव गांधी वाली बात नहीं थी। ये प्रस्ताव जरनैल सिंह ने अपनी तरफ से रखा था। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या अलका लांबा से इस्तीफा मांगा गया है, तो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि अलका लांबा से कोई इस्तीफा नहीं मांगा गया। एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं होती, स्पीकर ने स्वीकार ही नहीं किया तो एक्सपेंस तब करेंगे। कोई इस्तीफा नहीं हुआ, कोई इस्तीफा नहीं लिया जा रहा। क्या मांगा गया है? मैं बोल रहा हूँ, ये इस्तीफे की खबरें आप ही लोग चला रहे हो, हम लोग शांति से काम कर रहे हैं। कोई इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा, कहीं कोई इस्तीफा नहीं दे रहा। मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विधायक अलका लांबा ने कहा कि वो इस्तीफा देने नहीं जा रही हैं, जबकि पहले उन्होंने कहा था कि पार्टी ने उनसे इस्तीफा मांग लिया है। उधर दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा में स्वर्गीय राजीव गांधी के भारत रत्न सम्मान पर उठाए गए सवालों पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने केजरीवाल से माफी की मांग की है कि आम आदमी पार्टी का एक विधायक राजीव जी के नाम को प्रस्ताव के अंदर डाल रहे हैं और विधानसभा के स्पीकर उसको खड़े होकर के उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये बड़ा स्पष्ट ये है ये वीडियो। हमारा दूसरा इसमें बड़ा स्पष्ट ये कहना है कि केजरीवाल साहब को माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्हीं के पार्टी के विधायकों ने इस तरीके से राजीव जी के नाम को इसके अंदर डाला है कि ये पैस विधानसभा के अंदर यूनैनिमसली पास किया जाए। 1984 के अंदर जो कत्लेआम हुआ वो कांग्रेस ने करवाया था। कांग्रेस सिखों की कातिल है, कांग्रेस खूनी पार्टी है, इसलिए इंसाफ पसंद को इंसान इस कांग्रेस का तो अपना नाता ना रखे, ये हम विधानसभा के अंदर यूनिवर्सली ये रेजोल्यूशन पास करें। आपके बागी विधायक कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अलका लांबा का इस्तीफा केजरीवाल की बौखलाहट का नतीजा है। मेरे को तो यहां तक पता है कि 10 जनपद के एक खास आदमी ने केजरीवाल को फोन करके लताड़ लगाई और ये बोला कि इससे ये प्रस्ताव होने के बाद किसी हालत में गठबंधन नहीं होगा। तब केजरीवाल के होश उड़ गए और उन्होंने कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। सौरभ भारद्वाज से ट्वीट करवाया कि प्रस्ताव ही झूठा, कोई प्रस्ताव ही पास नहीं हुआ। लेकिन इसी बीच में अलका लांबा का ट्वीट आ गया, पूरे प्रस्ताव की फोटो आ गई, टाइप किया हुआ प्रस्ताव इंटरनेट पे डल गया, सबने देख लिया कि सौरभ भारद्वाज भी झूठ बोल रहे हैं, सोमनाथ भारती भी झूठ बोल रहे हैं। पहले भी एक बात कही थी कि आम आदमी पार्टी जिस निगेटिविटी पे चल रही है, अरविंद केजरीवाल जिस नकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक दिन ये आपस में लड़ेंगे, कूदेंगे, पीटेंगे, मारेंगे, सब करेंगे आपस में। फिलहाल पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी से भारत रत्न सम्मान वापस लेने संबंधी प्रस्ताव के मामले पर दिल्ली में सियासत गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी में एक बार दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।